धनवंतरी, धनवंतरी कौन है? समुद्र मंथन हुआ था देवताओं का और असुरों का, उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न धनवंतरी भी है। ये धनवंतरी भी अमृत का कलश लेके बाहर आए, इनके हाथ में अमृत कलश है। अगर आप अमृत पी लोगे तो स्वस्थी रहोगे, तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। नहीं तो स्वास्थ्य के देवता दो हैं, सूर्य के पुत्र, सूर्य और उनकी पत्नी संध्या के पुत्र हैं नासत्य और दस्र, वो अश्वनी कुमार कहलाते हैं, देवताओं के वैद्य, देवताओं के वैद्य हैं अश्वनी कुमार नासत और दस्र, नासत्य और दस्र ये भगवान सूर्य और संध्या के पुत्र हैं और ये देवताओं के वैद्य हैं। इन्होंने चवन ऋषि को जवान कर दिया था, राजा महेंद्र की कन्या जब चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे तो राजा महेंद्र की अकेली कन्या थी, जिन्होंने जंगल में गए, उन्होंने देखा कोई चमक रही है दीमक की बॉबी के अंदर, तो उन्होंने सीख उसमें घुसा दी, वो उनकी आंखें थी, तो आंखों से शुरू वगैरह बहने लगे, तो वे नींद से जागे, तो उन्होंने उनके जो सेना थी उसको सबके मनमूत्र बंद कर दिए थे। तो राजा को लगा महेंद्र को कि कुछ गलती हुई है, उन्होंने ढूंढा ढांडा, तो उन्होंने देखा कि जो चवन ऋषि हैं उनके साथ अनहोनी हुई है, तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरी देखभाल के लिए अपनी पुत्री का विवाह कर दो, तो करना पड़ा, किया उन्होंने। लेकिन जब चवन ऋषि ने देखा कि वहां पे जंगल में रह रहे थे तो वहां से नासत्य और दस्य भी निकले, तो इतनी सुंदर कन्या इस व्रत के साथ, तो उन्होंने क्या आप उनसे विवाह कर लो, उन्हें के नहीं पहले आप में मैं फर्क देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने चवन ऋषि को एक नदी में नहलाकर जवान बना दिया था, तो चवन ऋषि ने इन्हें अमृत पान करवाया था, देवताओं का रूप हुआ था इनका। तो अश्वनी कुमार जो है नासत्य और दशर ये मेन देवता है, ये अश्वनी और ये धन्वंतरी अमृत का कलश लेके बाहर निकले, इतना फर्क है बदलू। चरक में एनएनई के चरक में पहली वाली दिशा में जाजा दिशा बैठ रही है ग्लोब, आपने ब्लू ग्लोब रखा देखा होगा स्कूलों में कॉलेजों में ऑफिसों में, वो तो उन्होंने वैसे बना लगा दिया अपने पिक्चर के लिए शोकेस के लिए, लेकिन आप लाभ कैसे ले सकते हो? ग्लोब का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड एक ही बात है ना, और आप लाभ कैसे ले सकते हो इसको? आप किस रूप में देख लो, गोल शेप भी है ब्लू कलर भी है, तो आप नॉर्थ में लगा लो, ये तो किस काम के लिए हो गया? अप्रोच के लिए। तो नॉर्थ में हम लगा लेंगे अप्रोच के लिए, अवसर बनने शुरू हो जाएंगे पूरी दुनिया से। मैंने अभी आपसे एक चीज बताई थी, आपको क्या चाहिए उसके लिए देने वाली दिशा कौन सी है? वेस्ट। आपको किस जगह जाना है उसे सिंपल तो लगाओ वेस्ट। दो घोड़े अगर लगाना चाहते हो तो अपने घर में लगाओगे आप, अगर घोड़ों का पेयर है तो छोटे स्थान पे, छोटे मतलब एरिया कम हो, अगर एरिया बड़ा है फैक्ट्री है तो वहां पे दो घोड़े काम नहीं करेंगे, वहां पे आपको 5 घोड़े 7 घोड़े 12 घोड़े लगाने। रैबिट पेयर, रैबिट का काम क्या है पहले ये समझो, बहुत तेज दौड़ना है और बिल खोदना है। बहुत तेज दौड़ने वाली दिशा कौन सी है? ईस्ट साउथ ईस्ट, बहुत तेज चलती है। और रैबिट पेयर का काम दूसरा क्या है? नेटवर्किंग करना, बिल खोदना, बिल खोदने वाला जड़ खोदना, नेटवर्किंग का भी तो काम यही है। तो रैबिट पेयर का काम है आपसे कनेक्टिविटी करना, कहां पे लगा सकते लाभ ले सकते हैं हम? ईस्ट में लगा सकते हैं और ईस्ट साउथ ईस्ट के पहले ही